हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बी स्मार्टी। आज के इस वीडियो में हम लोग इज एम आर का एक बहुत ही प्यारा सा यूज़ सीखने वाले हैं बच्चों। और यहाँ पे इज एम आर का जो मतलब होगा ना, वो हो जाएगा वाला या वाली। ठीक है, जैसे कि मैं खाने वाला हूँ, वो सोने वाली है, हम लोग देखने वाले हैं, कुछ इस तरह के सेंटेंसेस यहाँ पर हम लोग देखेंगे। सो लेट्स बिगिन। देखो बच्चों, हमारा सबसे पहला जो स्ट्रक्चर है, यहाँ पे हमें करना क्या है, बेसिकली यहाँ पे हमें इज एम आर लगाना है और उसके बाद टू प्लस वी वन का यूज़ करना। पहले वाली वीडियो में मैंने बताया था हैज़ हैव यूज़ करना था और उसके बाद हम इन्फिनिटिव लगाते थे, तो इस वीडियो में भी हम इज एम आर लगा कर इन्फिनिटिव का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो आओ कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे मैं जाने वाला हूँ, तो इसका सिंपल ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, आई एम टू गो। वो यहाँ रुकने वाला है, ही इज टू स्टे हेयर। वो तुम्हारे दोस्त से शादी करने वाला है, ही इज टू मैरी योर फ्रेंड। वो मेरी मदद करने वाला था, तो जब बच्चों पास्ट की बात आ जाए, था आ जाए, तो वहाँ पे वॉज लगाएंगे और टू प्लस वी वन यूज़ करेंगे। अगर थे आ जाए तो वहाँ पे वर्ड लगाएंगे एंड टू प्लस वी वन यूज़ करेंगे। जैसे वो मेरी मदद करने वाला था, तो क्या बोलेंगे, ही वॉज टू हेल्प मी। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग उसे बचाने वाले थे, वी वर टू सेव हिम। मेक नहीं है यहाँ पे, सॉरी मिस्टेक हो गया, वी वर टू सेव हिम। नेक्स्ट मैं आज जैकेट पहनने वाला हूँ। मान लो आपके फ्रेंड ने आपसे पूछ दिया कि भाई तू आज क्या पहनेगा, तो आपने बोला यार मैं आज जैकेट पहनने वाला हूँ, तो क्या बोलोगे, आई एम टू वियर अ जैकेट टूडे, या फिर आई एम टू पुट ऑन अ जैकेट टूडे। पुट ऑन का मतलब भी पहनना, वियर का मतलब भी पहनना, पर पुट ऑन हम ज़्यादा यूज़ करते हैं। नेक्स्ट बच्चों, ऐसे स्ट्रक्चर्स को हम किसी दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं, पर इसका मीनिंग थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, पर मैंने इसी वीडियो में आपको ये भी दे रखा है। देखो, जैसे कि इज एम आर लगाओ और उसके बाद गोइंग टू प्लस वी वन लगा दो। ठीक है, वॉज वर्ड लगाओ, गोइंग टू प्लस वी वन लगा दो। जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं, मैं एक कार खरीदने जा रहा हूँ, या फिर मैं एक कार खरीदने वाला हूँ। दोनों का सेंस लगभग लगभग सेम आता है, पर यहाँ पे मैं गोइंग का यूज़ कर रहा हूँ, डैट मीन्स कि दोनों के दोनों फ्यूचर हमको शो करते हैं। एग्जाम्पल, आई एम गोइंग टू परचेज अ कार। तो बच्चों बाई और परचेज, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या आप बता सकते हो? तो जनरली बाई वर्ड का हम यूज़ करते हैं ऐसी चीज़ें खरीदने के लिए जो नॉर्मल हो, लेकिन परचेज का यूज़ हम करते हैं ऐसी चीज़ें खरीदने के लिए जो थोड़े महंगे होते हैं, थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं। तो ज़्यादातर एक्सपेंसिव चीज़ों को खरीदने के लिए हम परचेज का यूज़ करते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा है, वह मुझे मारने जा रहा था, ही वॉज गोइंग टू किल मी। नेक्स्ट, मैं उसकी मदद करने जा रहा था, आई वॉज गोइंग टू हेल्प हिम। तो बच्चों एक सेंटेंस मैं आपको नीचे दे रहा हूँ, ये सेंटेंस आपको नीचे बनाना है एंड कमेंट करना है, और वो सेंटेंस है, क्या आप आज, या फिर क्या आज आप यहाँ रुकने वाले हैं, क्या आप आज यहाँ रुकने वाले हैं। तो इसको आपको नीचे क्या करना है बच्चों, कमेंट करना है और नीचे ज़रूर बताना है कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और ऐसे ही इस वीडियो सीरीज में हमारे साथ बने रहें। एंड थैंक यू सो मच फॉर लर्निंग इंग्लिश विद मी, एंड मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब तक एवरीवन टेक केयर, बी सेफ, कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग, बी स्मार्टी।